जय हिंद। आज के हमारा अभ्यास का सेक्शन रहेगा मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं रहेगा आज, अलग अलग टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। पहला जो है ये जो आज मैं करवाऊंगी, ये आज मेरी फर्स्ट क्लास रहेगी सैनिक स्कूल RMS और RIMC के लिए। इम्पोर्टेंट क्लास है ये, फर्स्ट क्लास रहेगी GK। ठीक है, आज फर्स्ट जो आज क्वेश्चन करवाऊंगी ना 101% एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखते हैं। आज मैं दो सिमिलर क्वेश्चन भी करवा सकती हूँ, डिफरेंट भी करवा सकती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट डैम, जो पहली डैम भारत में बनी, पहली डैम जो बनी है वो चोला रूलर्स ने बनाई थी। किसने बनाई थी? चोला रूलर्स ने। पहले मुझे सुनिए फिर लिखना। ठीक है, चोला रूलर्स ने बनाई थी। चोला का जो राजा था करिकाल, कौन सा राजा? करिकाल ने चोला रूलर था, उसने डैम बनाई जीतामरा। मैं तुझे ध्यान से तो सुनती है, बोलती कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसने एक डैम बनाई और उस डैम का नाम था कलानी डैम। क्या था? कलानी डैम। कलानी डैम किसने बनाई थी? चोला एम्पायर ने। किसने? चोला एम्पायर के किस राजा ने बनाई थी? करिकल चोला। ठीक है, फर्स्ट डैम इन इंडिया, फर्स्ट डैम इन इंडिया कलानी डैम। कौन सी है? कलानी डैम। कलानी डैम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आएगा, हु बिल्ट कलानी डैम। सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, हु बिल्ट कलानी डैम। लिखो लिखो, हु बिल्ट कलानी डैम? जिसको नहीं पढ़ा जाएगा वो मुझे बताएगा। ठीक है, ओके मैम। कलानी डैम, कलानी डैम बनाई थी किसने? करिकाल चोला ने। किसने? किंग थे वो, राजा थे करिकाल चोला। करिकाल चोला। अब हमने डैम बनाते हैं, डैम तो तब बनाएंगे ना जब कोई नदी होगी। यस मैम। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी नदी थी जिसके ऊपर डैम बनाया गया? कावेरी। कौन सी? कावेरी। कावेरी जो है, आप लिखोगे कलानी डैम ऑन विच रिवर? बिल्ड ऑन विच रिवर? कलानी डैम बिल ऑन विच रिवर? ठीक है, विच रिवर? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना? कावेरी, हम कावेरी करेंगे ना, कावेरी को थोड़ा समझेंगे आज। मैं आपको इसके साथ एक नया सेशन करवाऊंगी, थोड़ा ध्यान से सुनिए नदियों के बारे में। कावेरी नदी है, ये नॉन पेरिनल रिवर्स है। क्या है? नॉन पेरिनल रिवर्स। देखो, पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर कौन सी होती है? नॉन पेरिनियल रिवर कौन सी होती है? ये वो नदियां होती हैं, ज्यादातर नदियां कहां से ओरिजिनेट होती हैं? हिमालय से। कहां से? हिमालय। इसका मतलब जो हिमालय की नदियां, चनाब देखा आपने? चनाब में हर साल एक जैसा पानी होता है, तभी देखिए जम्मू की तभी तो उसमें पानी देखा कि साल में एक जैसा होता है? नहीं होता, उसमें कम होता है। ठीक है, इसका मतलब जो तभी आती है वो क्या है? नॉन पेरिनल रिवर। क्या है? नॉन पेरिनल रिवर। आप कृष्णा कहाँ पे है? कृष्णा यहाँ पे। देखिए दो तीन चीजें वो देखिए, आपको फिर नदियों के बारे में पूरा पता चल जाएगा।
और नदियां बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पालन पोषण करती हैं। भारत में नदियों को पूजा जाता है, गंगा को पूजा जाता है, साउथ इंडिया में कावेरी को पूजा जाता है। साउथ इंडिया में जो कावेरी है ना उसको वृद्ध गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा, क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, एक और नदियों के बारे में पेरिनल, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। अब हम पेरिनल नदी पढ़ेंगे, तो इससे पहले कि हम पेरिनल नदी पढ़े तो इससे पहले हम नॉन पेरिनल नदियां देखेंगे कैसी होती हैं और पेरिनल नदियां कैसी होती हैं, ठीक है, ठीक है। भारत का महल बना लेते हैं, बाकी इस तरह ड्रा कर लेते हैं। चलिए इसको छोड़ देते, यहाँ देखो ये हिमालय है सारा, यहाँ तक सारा हिमालय है, ठीक है। हिमालय से जो नदियां आती हैं वो कहाँ से निकलती है, ग्लेशियर से, कहाँ से, ग्लेशियर से निकली। अब हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थ में भारत के, तो साउथ में क्या हिमालय है, इसका मतलब यहाँ पे यहाँ बाई क्यों पास, ठीक है। अब जो नदियां साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया क्या है, कोस्टल रीजन, क्या है, कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में स्नो होती है, बर्फ होती है, आप जहां पे स्नो होती है वहां पे नदियां क्या रहती है, 12 months क्या रहता है वहां पे, पानी, ठीक है। इसका मतलब गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, ये कौन सी नदियां है, गंगा आपको पता है गंगोत्री से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, इंदस मानसरोवर से, ब्यास, ये ब्यास, सतलुज और चनाब, ये सारी क्या है, झेलम, ये सारी क्या है, पेरिनल रिवर्स, क्या है, पेरिनल रिवर्स, समझ आ गया। पेरिनल रिवर्स कौन सी होती है, जो जो ग्लेशियर से बनती है, जो स्नो फेड होती है, क्या होती है, स्नो फेड, जिनमें बर्फ से, जो ग्लेशियर से बहती है नदियां वो सब। आप जैसे समर वेकेशन में पहाड़ों में गए होंगे, ठीक है ना, किसने ग्लेशियर देखे होंगे, वहां ग्लेशियर के नीचे से पानी पानी निकल रहा था, ठीक है ना, उनके इसका मतलब बर्फ के नीचे से क्या ओरिजिनेट हो रहा था वहां पे, वॉटर, और वो फ्रेश वॉटर होता है, क्या है, फ्रेश सोर्स ऑफ वॉटर होता है, क्या होता है, फ्रेश सोर्स ऑफ वॉटर, इसका मतलब गंगा जो है फ्रेश सोर्स ऑफ वॉटर प्लस क्या है, पेरिनियल रिवर, और ब्रह्मपुत्रा पेरिनियल रिवर, ठीक है, और इसी तरह झेलम हो गया, चनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, ये सारे पेरिनियल रिवर है। अब यहाँ पे हमने देखा कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में ऋतिक ऋतिक कोस्टल रीजन में क्या स्नो है, नो मैम, कोस्टल रीजन में पानी, हाँ, इसका मतलब यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स नहीं होंगी, ये कौन सी रिवर्स होंगी, क्या रेनफेड तो बारिश नहीं होती है, ये वो नदियां होंगी जब मानसून आते हैं नदियां बढ़ जाती हैं। आपने देखा ना अभी हिमाचल प्रदेश, लास्ट ईयर ने असम देखा था, असम हो गया, या तमिलनाडु में जब विंटर आता है वहां पे तब बारिश होती है, मानसून होते हैं तब वहां पे बाढ़ आती है, कृष्णा कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये क्या है, ये कोस्टल रीजन से आती है, ये स्नो फेड रिवर्स नहीं है, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावरी और सतलुज पेरिनियल स्नो फेड है, ठीक है, गोदावरी का कृष्णा महानदी कृष्णा नर्मदा, भाई नर्मदा का नर्मदा भी है, पहले ये करो ना, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर करें, कृष्णा महानदी गोदावरी कावेरी, ठीक है, और नर्मदा काली कावेरी, ठीक है, और नर्मदा तापी, ये सारी पेरिनल रिवर नदीज आर नॉन पेरिनल रिवर, समझ आ गया, ठीक है। अब हमने कावेरी जो है वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा, साउथ दक्षिण रिवर के नाम से जानी, दक्षिण रिवर के नाम से क्या बोलते, रिवर ऑफ साउथ,
नहीं कावेरी, ठीक है। ये अब यहाँ देखो, ये समझ आ गया सबको? हाँ, ये कहाँ, अब ये डैम कहाँ पे है? तमिलनाडु। समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब हम एक और नदी करते हैं, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये पहले हमने क्या किया, और ये ओल्डेस्ट डैम भी है, क्या है? ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। और जो सेकंड ओल्डेस्ट डैम है ना, उसका नाम बिंदु है, सेकंड ओल्डेस्ट डैम। ये भी लिख लो, याद आ गया मुझे, सेकंड ओल्डेस्ट डैम जो है, इट इज कॉल्ड मेरी मिट्टी बिंदु, बिंदु, ठीक है। ये इंडो 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 भूटान बॉर्डर के बीच में है, ठीक है, इंडिया भूटान बॉर्डर के बीच में सेकंड ओल्डेस्ट डैम है भारत की, ठीक है, समझ आ गया। yes, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। नहीं रिहान, yes, बोलो हाईएस्ट डैम इन हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज टेहरी डैम। कौन सी है? टेहरी डैम। आप ये टेहरी डैम उत्तराखंड में है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आप थोड़ा उत्तराखंड कहाँ है देना, ठीक है, यही समझ आ गया ना दोनों? अगर आप छोटे होते ये कंसेप्ट कर लेना तो बड़े मजेदार है, ज्योग्राफी बड़ा मजा आता है पढ़ने, ठीक है। अब देखो, अब मैं चार्ट बनाती हूँ, टेबल बनाऊंगी, ठीक है, आपको एक इजी वे टू लर्न करवाऊंगी। टिहरी डैम क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हाईएस्ट डैम, ठीक है, टिहरी डैम। और कहाँ पे है? उत्तराखंड। कौन सी? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी। भागीरथी गंगा को ही बोलते हैं, गंगा को ही बोलते हैं, बट गंगा दो है, जो गंगा ओरिजिनेट होती है, गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है देखिए, गंगोत्री। हाँ, ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है। जब ये गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, तब उस जगह में इसको भागीरथी गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं? भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी, भागीरथी गंगा। जहाँ से जिस प्लेस में गंगोत्री है, उस जगह को गोमुख कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोमुख। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, गोमुख क्या कहा जाता है? गोमुख। समझ आ गया? आप यहाँ देखो, गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम भागीरथी, गंगोत्री। हाँ, गंगोत्री में जब ओरिजिनेट होती है, उसको कौन से गंगा कहते हैं? भागीरथी गंगा। अब आगे आ जाते हैं, भागीरथी गंगा जब चलती है वहां से, एक जगह आती है देवप्रयाग। क्या आती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग में एक नदी यहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है। जो यहाँ से आ रही है, एक भागीरथी नदी है, एक, हाँ वेरी गुड, एक अलकनंदा है, अलकनंदा। जब ये दोनों यहाँ मिलती है, तो गंगा बनती है, क्या बनती है? गंगा। कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा जनरेट न्यू रिवर, इट इज कॉल्ड गंगा। देवप्रयाग में, प्रयागराज में ये ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में कौन सी न्यू फॉर्म ऑफ रिवर आती है? गंगा। कौन सी? गंगा। आज पता चला गंगा कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल था, मैंने पढ़ाया। देवप्रयाग में कौन सी नदी बनती है? नहीं, गंगा। गंगा,
गंगा आगे से जो देखो कहाँ चल रही है, ऋषिकेश जाती है, कहाँ जाती है? ऋषिकेश। ऋषिकेश से हरिद्वार, ऋषिकेश से कहाँ जाती है? हरिद्वार। फिर आगे हरिद्वार से यूपी एंटर करती है, यूपी से फिर आगे बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से फिर ये जाती है नहीं भाई बेहा बंगाल बांग्लादेश, कहाँ जाती है? बांग्लादेश। आईएनसी वाले ये चार्ट बनाएंगे, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं, गंगा को पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को यहाँ लिखा मेरे साइड में, बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, ठीक है? डन। अब देखो सभी मुझे ध्यान से सुनिए, अब यहाँ देखो छोड़ दो लिखना, सब छोड़ दो, मुझे देखती है, देखो ब्लैक बोर्ड में देखो, गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, गोमुख कहते हैं, भागीरथी जहां से गंगा ओरिजिनेट होती है उसको भागीरथी कहते हैं, भागीरथी गंगा। फिर आगे देवप्रयाग में आके भागीरथी और अलकनंदा का कन्फ्लुएंस होता है तो गंगा कहलाती है, ठीक है? गंगा ऋषिकेश में एंटर करती है, ऋषिकेश से सीधा प्लेन में, ठीक है? प्लेन में एंटर करती है हरिद्वार से, हरिद्वार में यूपी वगैरह पूरा इलाहाबाद वगैरह घूम के बिहार, यूपी बिहार से बंगाल की तरफ घुसती है, जब बंगाल में जाती है उधर से वो बांग्लादेश की तरफ जाती है, जब बांग्लादेश जाती है तो वहां पे इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ये मुझे भी याद नहीं आया, क्वेश्चन मेरे को अचानक याद आया था तो मैंने ये भी लिखवा दिया। अब देखो बेटा बांग्लादेश, ये यहाँ पे देखे ना बांग्लादेश, ठीक है? ये बंगाल, आगे देखो सेकंड, देखो अगर सीधे बैठो ना क्या होगा, यहाँ पे देखो सेकंड लिख लिया आपने, सारे चार्ट बना रहे हो तो बेटा बांग्लादेश बोलो ना, यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश पद्मा, आप देखो क्या बना रही थी, टिहरी डैम उत्तराखंड, भागीरथी समझ आ गया? अब भागीरथी जो है चली है इसके ऊपर एक डैम बनाया गया जो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, क्या है? ऊंचा डैम, बड़ा डैम नहीं है, मैंने क्या लिखा है, सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ये आया टिहरी डैम, समझ आ गया? यस मैम। अब हम करेंगे लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, हाई लार्जेस्ट डैम इन इंडिया हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। भाई मैं आपको ध्यान से तुमने सुना नहीं ना, तुम फिर बोलोगे मैम बोल डांटे डांटे, हाईएस्ट डैम बोल रही हूँ क्वेश्चन, अब बोल रही हूँ लार्जेस्ट डैम, उसी के पीछे पड़े टेहरी डैम, टेहरी डैम, टेहरी डैम नहीं है लार्जेस्ट डैम, ठीक है? अब हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी, महानदी, और ये महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा, ठीक है? हीराकुंड डैम कहाँ पे है? उड़ीसा, समझ आ गया? और चिल्का लेक भी कहाँ पे है? महानदी रिवर के पास में ही है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, अब यहाँ पे आया तो ये भी लिख लेते हैं, इसको गोमुख उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, किसको? गंगा, गोमुख जगह है यहाँ से गंगोत्री निकलती है, गंगा निकलती है जिस जगह से, उस जगह का नाम क्या है? गोमुख, गोमुख, और वहां से गंगोत्री, ग्लेशियर गंगोत्री से गंगा निकलती है, समझ आ? किसको नहीं आया दोबारा क्लियर करो, ठीक है? बात ये हो गया लार्जेस्ट डैम, हाईएस्ट डैम, ओल्डेस्ट डैम, फर्स्ट डैम, ये चार एक जैसे क्वेश्चन समझ आए सबको? यस मैम। मैम जो लार्जेस्ट डैम इन इंडिया में वो उड़ीसा में है ना? हाँ उड़ीसा में। महानदी, महानदी नदी के ऊपर है जो हीराकुंड डैम बनाया, वो तो कोई नदी के ऊपर बनाएंगे ना, तो उस नदी का नाम क्या है? महानदी।
भागीरथी को टेरी डैम कौन सी नदी के ऊपर बना है? भागीरथी इंडिया और भूटान बॉर्डर के बीच है। कहाँ पे बिंदु? कौन सी बिंदु? बिंदु। यहाँ तक सब समझ आ गया? यस। आप किस तरह के दो क्वेश्चन और करते हैं सिंपल? अभी नहीं, शॉर्ट लेक बाद में आएंगे, ठीक है? यहाँ ये हो गया सबका। अब हम गंगा की हैं तो थोड़ा गंगा की तरफ चलते हैं, ठीक है? गंगा के किनारे कौन कौन से शहर है? मैंने बहुत बार क्वेश्चन तुमको कराए, सिटी रिवर्स, ठीक है? ये क्वेश्चन करें। ऋषिकेश ऑन द बैंक ऑफ गंगा, फिर हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ गंगा और यूपी, वाराणसी यूपी भी आ गया। भाई अपनी अपनी जगह तो पटना वाले पटना बोल के, कानपुर पटना, कानपुर, बद्रीनाथ, वेरी गुड। बद्रीनाथ में भागीरथी है, कौन सी है? भागीरथी। जो बद्रीनाथ केदारनाथ में भागीरथी है, जिसने डिजास्टर लाया था वो भागीरथी थी 2014 में, वहां पे फ्लड आया था बहुत बड़ा। गर्ल्स बिल्कुल नहीं बची, ऑफिसर कैसे बनेंगी? ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, कानपुर, भाई वो तो जगह वहां पे गंगा, गंगा का नाम बनता है वहां पे, गंगा बनती है, गंगा नहीं बनती बल्कि देवप्रयाग, ठीक है? बहुत सारी और भी जगह है, अलाहाबाद नहीं, वाराणसी हो गया। यहाँ ये सारी शहर जो है गंगा के किनारे बसे हैं। किसके किनारे बसे हैं? गंगा। किस कौन कौन से? ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, कानपुर, ठीक है? यहाँ पे हमारी काफी पटना के लोग भी हैं। लखनऊ, लखनऊ जो है ऑन द बैंक ऑफ गोमती, लखनऊ जो बहती है वो गोमती नदी के किनारे बहती है। कहाँ पे? गोमती। गोमती नदी का ओल्डेस्ट नेम है, ओल्डेस्ट नेम तो क्या बोलते हो? कमी आपको बहुत मार पड़ेगी, गाघर हजार बार करवा सकती है, घाघर, ठीक है? ये चार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, ये चार किसके? रिवर्स डैम्स के, ठीक है? अब हाईएस्ट ग्रेविटी डैम देखिए भारत में कौन सी है? जिस दो घंटे से आप सब ये बोल रहे हो, हाईएस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब हुआ ये ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी क्या होता है बताओ? तो खींच के रखती है किसी चीज, जो अर्थ, जो अर्थ अर्थ को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ को, अर्थ को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ के अर्थ जिसको अर्थ अपनी तरफ खींचता है। लखनऊ, गोमती, गोमती का ओल्डेस्ट नेम है घाघर, ये ऋग्वेदा में किस पर मेंशन है? ऋग्वेदा, गागर इज मेंशन इन ऋग्वेदा, ठीक है? अब हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो है बाकरा नंगल डैम, समझ आ गया सबको? अब बाकरा नंगल डैम है कहाँ पे? सब बोलेंगे पंजाब, नहीं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, मुझे पता था सब बोलेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है? ये हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के पास पड़ता है, ठीक है? अब बाकरा नंगल डैम कौन सी नदी के ऊपर है? रावी, सतलुज, किसके ऊपर है? सतलुज। पंजाब जो है, पंजाब देखो, पंजाब का मतलब है पांच एब,
बना है पंजाब, ठीक है, सतलुज रावी ब्यास, ठीक है मैम। और मैम मैम को एक दो तीन है मैम, पांच ही बना है, बता तो रही हूँ, आ जाना चनाब और जेलम भी, ठीक है। सतलुज रावी ब्यास जो है यहाँ की मेजर नदियां है, और जेलम और चनाब भी है। पंजाब में पांच नदियां बहती हैं अगर पास करना, ठीक है। सतलुज, सतलुज कहाँ लिख में लिखा है, पंजाब जो है कौन कौन सी नदियों से बना है, सतलुज रावी झेलम ब्यास, रावी झेलम ब्यास, झेलम ब्यास। अभी डिजास्टर कौन सी नदी ने किया है वहां पे, ब्यास ने, कौन सी, ब्यास। सालों ऑफ हिमाचल 2023 में कौन रही, ब्यास नदी, जो पूरे अभी पंजाब और हिमाचल में फ्लड आया है बिकॉज ऑफ द ब्यास नदी। देखो सतलुज रावी झेलम ब्यास और चिनाब, ये सारी पाकिस्तान में मिलती है भाई, कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के अरेबियन सी में जाती है, पाकिस्तान के अरेबियन सी। अब अरेबियन सी देखो भाई, अभी अरेबियन सी और मैं आपको दिखाती हूँ अरेबियन सी कहाँ, ठीक है। मैम बाकर नंबर डाल मत, मिटा रही है मैंने बाकर नंबर डाल ये है वेस्टर्न घाट भारत का, वेस्टर्न वेस्ट, यहाँ पे अरेबियन सी है, कौन सा सी है, अरेबियन सी। अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियाँ के मिल रही है, कौन कौन सी, सतलुज रावी, हाँ देखो इंदस, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी और झेलम ब्यास चिनाब सतलुज, ये सारी नदियाँ कहाँ मिलती हैं, अरेबियन सी। बट इनमें से कौन कौन सी नदी है जो ये सारी अरेबियन सी पाकिस्तान में जाती है, कहाँ जाती है, पाकिस्तान, ठीक है, समझ आ गया। सतलुज रावी झेलम सारी इंडिया से होके ये पाकिस्तान एंटर करती है, पाकिस्तान से ये अरेबियन, पाकिस्तान में भी सी है जिसका नाम है अरेबियन सी, क्या है, यहाँ तक समझ आ गया सबको। हमने आज कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी नदियां की, उनके लेक्स, उनके उनके ऊपर बने डैम किए, और याद रखिए बाखरा नंगल डैम कौन सी नदी के ऊपर है, बाखरा नंगल डैम कौन सी, सतलुज, हाँ सतलुज, बाखरा नंगल डैम कहाँ पे है, सतलुज, कौन सी जगह, हिमाचल प्रदेश, बाखरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश, पंजाब में नहीं है। आप इसी के साथ एक सारो रिवर्स कर लेते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा, समझ आ गया सबको, आज इतना ही करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। सारो रिवर्स ऑफ इंडिया, सारो 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 रिवर्स, सारो सारो रिवर्स, सारो सारो आ, इस बार 2023 की कर लेते हैं सारो ऑफ हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, प्रणय का हिमाचल, हमारी क्लास में देखा भारत से अलग अलग जगह, कोई हिमाचल से है, कोई यूपी का है, और बिहार का भी है, महाराष्ट्र का भी है, हाँ महाराष्ट्र भी है। सारो ऑफ हिमाचल, ब्यास, ब्यास कौन से है, वेद ब्यास के ऊपर ये नदी का नाम है, वेद ब्यास कौन थे, पूर्व महाभारता, जिन्होंने महाभारता व्यास, जिन्होंने वेद लिखे थे, वेद व्यास, ठीक है। व्यास नदी हम समझ आया किसके नाम पे है, एक भारत के लेखक के नाम पे है, वेद व्यास, समझ आया। सारो ऑफ हिमाचल ब्यास, क्यों, क्योंकि 2023 में डिजास्टर कहा जो हिमाचल में हुआ बिकॉज ऑफ ब्यास, ठीक है। आप सारो ऑफ असम, 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 सारो असम, ब्रह्मपुत्रा, इतनी बात करवा के तुमको, ब्रह्मपुत्र ही ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। सारो ऑफ ओडिशा, ओडिशा,
महानदी अभी तो करवाया है। उड़ीसा में कहा ये सतलुज किसने बोला भाई? अभी इसलिए मैंने तुमको नॉन पेरिनल और पेरिनल रिवर्स कराया था। उड़ीसा जो है भारत की कोस्टल स्टेट है, उसमें बर्फ है क्या? सबसे पहले नदियों को जोड़ा करो ना। ये क्या, ये उड़ीसा जो है यहाँ हिमालय की तरफ है या कोस्टल में है? जोड़ा करो ना दिमाग से। सतलुज रावि और ब्यास नॉन पेरिनल रिवर भाई, पेरिनल रिवर है, सारी हिमालय से होती है, हिमाचल से निकलती है ऊपर से, ठीक है। सारवा ओडिशा महानदी, सारवा बंगाल, ये नहीं आपको, दामोदर, अरे दामोदर, ठीक है। सारवा और क्या रह गया प्रमेय? लखनऊ, गंगा, सारवा यूपी, दिल्ली, गोमती, गोमती, हाँ गोमती, सारवा लखनऊ, एक रह गया भाई सारवा बिहार, गंगा। ओहो भाई नहीं, ये जो नदी आती है नेपाल से आती है, इसका नाम कोसी है, क्या है? कोसी, मानसी की बहन कोसी, ठीक है। ये क्या है सा? अब देखो सारों नदियां कौन कौन सी है, अमायरा जैन, सारा हिमाचल, यहाँ देखिए बोलो ना, सारो ऑफ असम, नीताम्बरा, सारो ऑफ उड़ीसा, महानदी, ऋत्विक, सारा बंगाल, दीक्षित, सारो ऑफ लखनऊ, गोमती, मयंक, सारो ऑफ बिहार, कोसी, युवराज, सारो ऑफ हिमाचल, ब्यास, सारो ऑफ असम, ब्रह्मपुत्र, सारो ऑफ उड़ीसा, महानदी नदी, तुम दोनों बैठ जाओ, चलो सारो ऑफ बंगाल, आर्यन, सारा ऑफ लखनऊ, ठीक है। ये नदियां जो है, बहुत सी नदियों में सारों का मतलब होता है जो नदियां डिजास्टर क्रिएट करती हैं, जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती हैं, वो नदियां जो बाढ़ लेके आती हैं, बहुत ज्यादा फ्लड लेके आती हैं, उनको सारो रिवर्स कहा जाता है। आज का टॉपिक हमने पढ़ा, सभी मुझे सुनिए, सबसे पहले ओल्डेस्ट लेक कलाना, सॉरी ओल्डेस्ट डैम कलाना डैम, फर्स्ट डैम कलाना डैम बिल्ड बाय करिकार चोपड़ा, ठीक है। हाईएस्ट डैम टेरी डैम, लार्जेस्ट डैम और ग्रेविटी डैम बाबरनंगल डैम, ठीक है। ये सारी है डैम, और जो दुनिया की लार्जेस्ट डैम है उसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम, वो चाइना में है, वो हमारे अर्थ की ग्रेविटी को स्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको मतलब नहीं समझेगा, लार्जेस्ट डैम इन वर्ल्ड देख लो भाई, थ्री जॉर्ज डैम, डन, इट इज इन चाइना, और चाइना की रिवर तो रहेगी सारो ऑफ चाइना, सारो ऑफ चाइना, हजार बार करवाया पढ़ने मारूंगी मैं, मैंने तो आंसर दिया हवांगो। चलिए यहाँ तक सबको समझ आया, मैम ये तो हवांगो तो वो उधर की वो भी थी सिविलाइजेशन वाली रिवर, हाँ वही भैया, ये थ्री जॉर्ज डैम कहाँ पे है? चाइना में, और ये दुनिया की लार्जेस्ट डैम है, क्या है? लार्जेस्ट डैम, क्या है? लार्जेस्ट डैम। अच्छा कौन कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे है? सभी बोले कौन कौन सा शहर है? जय हिंद, थैंक यू, जय भारत, जय जवान, जय किसान।